दिस इज मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद लाइव फ्रॉम मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद यूट्यूब चैनल एंड टुडे इज संडे एंड तारीख है 24। एज यूजुअल वी आर गोइंग टू SRB आर कंसल्टेंसीज, जहाँ पे हमारी कंसल्टेंसी होती है और हमारे एनिमल्स खड़े हैं। आज का दिन यूँ शुरू होता है कि हम जा रहे हैं व्लॉग बनाने, और व्लॉग बनाने के लिए हमारे साथ हैं उज़ैर दी कैटल कलेक्शंस कराची वाले, और दूसरे हैं हमारे साथ इट्स मोहम्मद सलीम। ठीक है, तो जी अभी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। बेसिकली आज का व्लॉग शुरू होना है एक तो ओवर व्यू ऑफ द फार्म, एंड सेकंड ऑफ ऑल द ग्रेट साइमन टॉल, द ग्रेट साइमन टॉल ब्रीड बॉर्न विद द मदर ऑफ दाजिल। दाजिल मदर से हमारा जो देसी बच्चा बनाया गया है, हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसको बिल्कुल तैयार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उसके लिए दो अच्छे ब्लॉकर्स जो कि मार्केट के अंदर बहुत इन है, ठीक है, जो कि आए दिन आपको वीकली मंडी की अपडेट्स देते हैं। उसमें एक सवाती भी आएंगे, सवाती की अभी अपडेट नहीं है मेरे पास कोई, बट एट दी एंड सुवाती विल ऑल्सो ज्वाइन अस, आज नहीं कल, तो इसलिए आज के लिए दो ब्लॉकर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम HRB लोकेशन से इंशाल्लाह ताला आपको 99 की अपडेट प्लस साइमन टॉल की, और आपका दोस्त एज यूजुअल मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद द यूट्यूब चैनल के खुद ऑफिशियली अपना व्लॉग तो देंगे, साथ आपको अपडेट देंगे जो व्लॉग हमारे लिए बनाया गया, जो कि उन दोनों लड़कों ने हमें इंट्रोड्यूस कराया साइमन टॉल को और मुझे। थैंक यू सो मच। फॉर नाउ आई एम टेकिंग ऑफ, और इंशाल्लाह ताला फिर हम जल्दी ही ज्वाइन करते हैं HRB पे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एज यूजुअल हम पहुंच गए HRB, और मेरे साथ उज़ैर और सलीम आ गए। वही सिचुएशन है, बछड़े थोड़े ठीक हैं मगर वही पानी के हालात, वही जानवरों की ख़राबियाँ, लंपीज, वो इशू अभी तक नहीं हल हो रहा, और वह आपको पता है 2.5 महीना बारिश पानी वक्त रहते चीज़ें होंगी। अभी भी नीचे पानी, जगह पे पानी देखें कैसे हुआ हुआ, यहाँ देखें आप, यहाँ कितना ज़्यादा पानी, गोबर, और ये पाड़े देखें हमारे HRB के ऊपर अभी कितनी ज़्यादा तबाही है। ये तबाही मंडियों में भी है, और चेक करें हमारे साइमन टॉल बोला, हमारा शहजादे की सफाई हो रही है, और अभी ब्रश इस पे लगेगा, अभी खोर लगा के इसको चमका रहे हैं, अभी हम इसको वीडियो में लेंगे और इसका थोड़ा सा वज़न चेक करेंगे। चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर शुरू हो गया, और हमारे साथ इस टाइम वो देखें पीछे सलीम वहाँ फिर रहे हैं और उज़ैर वहाँ फिर रहे हैं, और ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आपको जो अपडेट ये है कि अभी अभी हम HR पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे भी बेचारी लंपिस का बड़ा ज़ोर आया हुआ है कट्टू माल के अंदर, और कट्टू माल जो फर्दर कट्टू माल है उसके अंदर निमोनिया है। वही हाल भैंस कॉलोनी में था, वही हाल मलीर मंडी में था, वही हाल अभी पंजाब में, इससे ज़्यादा बुरा है। तो आप क्या सोचते हैं कि अभी काम को सीधा होने में कितना वक्त लगेगा? बहुत वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ अभी जैसे 2.5 महीने हुए हैं, और 2.5 महीने के बाद अभी हम जहाँ खड़े हैं, 2.5 महीना ख़त्म हो रहा है, 3रा महीना शुरू हो रहा है बारिश के बाद का, और इंशाल्लाह ताला फिर आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो वक्त रहते सर्दियों में हालात अच्छे हो जाएं, जानवर ठीक हो जाएं, लंपीज बीमारी चली जाए, निमोनिया ख़त्म हो जाए बीमारियों में से, ठीक है, और वो जो मुँह खोर वगैरह, वो जो मैं आपको अपडेट बताऊँ ना कि चारों तरफ हर फार्म की यही हालत है। लास्ट टाइम वही मैंने जो आपको अपडेट किया था,
और हर बंदा क्या एक क्या दो क्या जानवरों को संभालना मुश्किल हुआ हुआ है। अभी जिसका छोटा फार्म है वो तो फिर कैरी कर लेता है, मगर बड़े फार्म वाले को बहुत मुश्किल हो जाती है। भले 150 तो ज़्यादा ही हो गया, खैर 20-25-30 भी लेबर हो एक 4 एकड़ जैसी जगह के ऊपर, फिर भी मुसीबत हो जाती है। तो अभी भी मैं आपको कुछ वीडियो कुछ शेयर करता हूँ चीज़ें, इंशाल्लाह ताला वो आप देखिएगा। ये देखें जनाब, ये हालो हाल हैं फार्म्स के तकरीबन, और ये कंडीशंस है। वो हमारे बेचारे जानवर सारे लम्पीज में आए और कुछ यहाँ पे निमोनिया में आए। ये हमारे शहजादे की वीडियो बन रही है, साइमनटॉल, ये शेरा, तो ये उजैर और सलीम रनिंग कर रहे हैं पीछे इनकी। चलें जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। बेचारे ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा दुख है। आज आज हम आपको बर्ड्स वगैरह भी दिखाएंगे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, ये ओज़ैर और इट्स मोहम्मद सलीम और कराची कैटल कलेक्शन वाले थे, और इनको मैंने अभी साइमन टॉल से रिलेटेड और एचआरवी फार्म लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई, और जो कि शायद लम्पीज पे थी, फैटनिंग पे थी, और साइमन टॉल आपका ब्रीडर उसके बारे में थी। तो गाइज़ अभी भी ये इंशाल्लाह ताला एचआरवी के ऊपर फुल सफाइयाँ और जानवरों की वैक्सीनेशन, फुट एंड माउथ डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन, स्किन की और खुर वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। सफाइयाँ उरूज पे आ चुकी हैं, समेटा जा रहा है, फार्म सूख गए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला जितना जल्दी हो सकेगा रिकवर होंगी चीज़ें और जानवरों को अपना बैलेंस किया जाएगा, और जल्दी आपको हम दिखाएंगे आने वाले वक्तों में कि चीज़ें किस तरह बैलेंस होती हैं और अपनी जगह पे आती हैं, और मौसम कितना जानवरों को ख़राब कर चुके होते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके थे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो और ज़्यादा जब आपको मज़ा आएगा, जब हमारा सैम्पल टॉल डे बाई डे चीज़ों की तरफ आएगा। ये देखें, ये उजायरा है, साहिवाल बच्चा हमारा 2023 बकरा ईद के लिए आया हुआ है, ये वो है। और ये माशाल्लाह से ये सलीम के दोस्त हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, और थोड़े से व्यूज़ आपको दिखाएं पहले की नस्बत चीज़ें किस तरफ आई हैं हमारी। और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करें, बहुत टाइम हो रहा है, तवज्जो चाहिए जानवरों को बहुत सख्त। शेरू बोला, हमारा बोला फुल, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बैलेंस होंगी, और रब ने चाहा तो मैं खुद इसकी प्रोडक्शन को देखूंगा और जल्द ही जल्द आपको सैमन डॉल आपको मार्केट में लेके आके दिखाऊंगा। और हमारे पास मज़ीद ये देखें थोड़े से यूनिक पाड़े आ गए हैं सेल्स के लिए, ये भी खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, ये भी मार्केट में 2023 में सेल होने को आएंगे। अभी इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो रही हैं, जल्द रहते ठीक हो जाएंगी। बच्चों की पलाई और फार्मिंग शुरू हो गई है, दुआओं की गुजारिश है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इट्स मोहम्मद सलीम एंड उज़ैर दी कैटल फार्म कलेक्शन, इन सबको याद रखिएगा, ये हमारे भाई दोस्त हैं। लिंक्स इनके भी मैं आपको शेयर दूँगा, इनको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن